नमस्कार, आप देख रहे खबर बिहार 24 और मैं विवेक। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई, नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन जो समस्या बिहार के नौजवानों की है वह अब तक बरकरार है। इस समस्या के निदान के लिए सरकार के तरफ से जो उचित पहल होनी चाहिए वह पहल अब तक नहीं की गई। अब चुप नहीं रहेंगे नौजवान, मांग कर रहे हैं नौकरी की। कई ऐसी वैकेंसियां निकाली गई, छात्र छात्राओं ने वैकेंसी को भरा, लेकिन अब तक न तो उसमें बुलावा आया है, ना ही परीक्षा ली गई है, ना ही जांच की गई है सर्टिफिकेट की, और ना ही कहीं पदस्थापित करने की बात है। वैकेंसी निकाली जा रही है, भरा ली जा रही है, भरने की फीस ले ली जा रही है ऑनलाइन, लेकिन जमीन पर धरातल पर अब तक नौकरी देने की प्रक्रिया बिहार में प्रारंभ नहीं हुई है। चुनाव के समय में एनडीए ने 19 लाख नौकरी देने की बात करी थी, रोजगार देने की बात करी थी। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कहा था कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो हम प्रथम बैठक में ही नौकरी देने का काम करेंगे। लोगों ने विश्वास जताया एनडीए की सरकार बनी, लेकिन आज भी नौकरी की समस्या जस का तस पड़ा हुआ है। नौजवान भटक रहे हैं, नौजवान बेरोजगारी के कारण डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, नौजवान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं नौजवान और नौजवान के परिजन। बिहार में विकास की बहार है, सड़कें पुल पुलिया बनाने की बात कही जा रही है, तरह तरह की योजनाओं को लाने ले जाने की बात कही जा रही है, लेकिन जो समस्या है मूल समस्या कि समाज में परिवार में जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उन्हें कब नौकरी दी जाएगी, नौकरी के मांग को लेकर अगर पटना में धरना प्रदर्शन किया जाता है नौजवानों के द्वारा तो उन्हें लाठियों से पीटा जाता है, मुकदमा किया जाता है, पानी के बौछार से नहला दिया जाता है, लेकिन नौकरी नहीं दी जाती है। अब सवाल यह उठता है कि नौजवानों को नौकरी दे तो कौन दे। चुप रहने के पक्ष में अब नौजवान नहीं है, चुप नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार जी जो वादा किया उसके मुताबिक खड़ा नहीं उतर रहे। लाख विकास की चर्चा हो, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो निम्न वर्गीय लोग हैं, जो उच्च क्लास के लोग हैं, जो नौजवान पढ़ लिख कर बैठे हैं, जिन्हें नौकरी की आवश्यकता है, उन्हें अब तक नौकरी नहीं मिली। कब नौकरी मिलेगी यह बड़ी समस्या है, समस्या जटिल है। वैकेंसी भरी जा रही है, वैकेंसी निकाली जा रही है, लेकिन ज्वाइनिंग कब हो, कब उसे काम करने का मौका मिले, कब उसे काम दिया जाएगा, यह बड़ी बात है। कई विभाग में, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस विभाग हो या अन्य कई विभाग में नौकरी देने की बात कही जाती है, भरा ली जाती है फॉर्म, लेकिन जमीनी कार्य नहीं होता, नौकरी नहीं मिलती। नौजवान अब आक्रोशित होकर नौकरी की मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से कह रहे हैं कि नहीं चुप बैठेंगे, हमें नौकरी चाहिए, पेट में लगी है आग, जरूरतों को पूरा करने के लिए, पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें नौकरी चाहिए, हमें नौकरी दो। क्या आप मेरे इस वीडियो से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों यारों मित्रों के पास शेयर करें, ताकि यह आवाज बुलंद हो और नौजवानों को नौकरी मिले। अगर आप चाहते हैं कि आपके नौजवान नौकरी करे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करने का प्रयास करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को लाल बटन घंटी दबा कर सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबा दें, उससे मेरा हौसला बढ़ता है
और कमेंट बॉक्स में अवश्य जाकर कमेंट करें, जिसे मैं पढ़ता हूं। धन्यवाद।